हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक ड्रीम कैरियर। पिछले क्लास में हम लोग द नेव फ्रेंड्स का स्टोरी डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग यहाँ तक देख चुके थे। तो आज हम लोग इसे आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज नो नेस्ट लाइक द वंस ही हैड सीन ऑन ट्रीज। वहाँ पे वैसा कोई भी घोंसला नहीं था जैसा कि वो देखा था। श्यामा आस्क्ड, कैन यू सी एनी चिक्स भैया। श्यामा ने पूछी, क्या आप कोई चिक्स देखे भैया। देर आर थ्री एग्स, द चिक्स हैवेंट कम आउट येट। वहाँ पे तीन अंडे हैं, चूजा अभी तक बाहर नहीं आया है। शो मी भैया, हाउ बिग आर दे। दिखाओ भैया वो कितने बड़े हैं। आई विल बट फर्स्ट ब्रिंग सम रैक्स टू ले अंडर द एग्स। जरूर, लेकिन पहले तुम कुछ रैक्स लेके आओ, कुछ कपड़े लेके आओ जिसके अंदर मैं अंडे को रख सकूं। द पुअर एग्स आर लाइंग ऑन ट्विग्स एंड स्ट्रॉ। बेचारे अंडे पेड़ों के टहनियों और स्ट्रॉ पे पड़े हुए हैं। स्ट्रॉ क्या होता है? तो जो भी घास फूस होता है, खरपतवार होता है, और जो भी अनाज होता है उसका जो डंठल होता है ना, उसको हम लोग स्ट्रॉ कहते हैं। श्यामा रैन आउट एंड रिटर्न्ड विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ टॉर्न आउट फ्रॉम एन ओल्ड साड़ी। श्यामा भाग के गई। रन यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे रैन जो है वो रन का पास्ट V2 फॉर्म है। रैन जिसका मतलब है भाग के गई या दौड़ के गई। तो श्यामा दौड़ के गई और फिर वापस आई एक कपड़े के टुकड़े के साथ, जो कहाँ से लिया गया था, जो एक ओल्ड साड़ी का था। उसके बाद क्या होता है, केशव लीन टू टेक इट फ्रॉम हर। केशव झुका उससे लेने के लिए। फोल्डेड इट अ नंबर्स ऑफ टाइम्स टू मेक इट इंटू अ कुशन एंड प्लेस्ड इट अंडर द एग्स। उसको बहुत बार, वो जो केशव है वो काफ़ी टाइम्स उस कपड़े को फोल्ड किया ताकि वो एक कुशन का फॉर्म ले ले, एक तकिया का फॉर्म ले ले और उसमें अंडे रख सके। कुशन का मतलब होता है तकिया। आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी देम भैया, श्यामा प्लीडेड। श्यामा ने विनती की कि मैं भी देखना चाहती हूँ भैया। यस यस, आई विल शो देम टू यू। हाँ हाँ, मैं ये तुम्हें दिखाऊंगा, बट फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट सो दैट आई कैन मेक अ रूफ। लेकिन पहले तुम बास्केट लेके आओ जिससे मैं एक रूफ बना पाऊंगा, मतलब एक छत बना पाऊंगा। रिप्लाइड केशव, केशव ने रिप्लाई किया। श्यामा हैंडेड द बास्केट फ्रॉम बिलो एंड सेड, नाउ यू कम डाउन, इट्स माई टर्न। श्यामा नीचे से बास्केट को देती है और बोलती है, अब मेरी बारी है, तुम नीचे आओ। उसके बाद क्या होता है, केशव रेस्टेड द बास्केट अगेंस्ट द ब्रांच एंड सेड, गो ब्रिंग द वाटर एंड ग्रेन, लेट मी। यहाँ पे केशव जो है वो बास्केट को वहाँ पे रख देता है ब्रांच के अपोजिट साइड में और कहता है कि गो ब्रिंग द वाटर एंड ग्रेन, जाओ पानी और अनाज लेकर आओ। लेट मी गेट डाउन एंड देन यू कैन हैव अ लुक, और मुझे नीचे आने दो, उसके बाद तुम देख सकती हो। श्यामा ब्रॉट द बाउल ऑफ वाटर एंड राइस टू। श्यामा लेकर आई बॉल में पानी और राइस भी। केशव प्लेस्ड देम बोथ अंडर द बास्केट एंड क्लाइम्ड डाउन सॉफ्टली। केशव जो है वो दोनों को, यानी बाउल ऑफ वाटर को और राइस को, बास्केट के अंदर रख दिया, अंडर द बास्केट, और आराम से नीचे उतर गए। क्लाइम्ब डाउन मतलब नीचे उतरना। श्यामा बेग्ड वंस अगेन, भैया एक मिनट, श्यामा बेग्ड वंस अगेन, भैया हेल्प मी क्लाइंब अप टू शो दैट आई कैन सी। श्यामा ने एक बार फिर से विनती की कि भैया मेरी मदद करो चढ़ने में ताकि मैं देख सकूं। यू विल फॉल डाउन, आई वॉन्ट फॉल डाउन भैया, यू होल्ड द स्टूल। केशव बोलता है कि तुम गिर जाओगी। फिर श्यामा क्या बोलती है, मैं नहीं गिरूंगी भैया, तुम स्टूल को पकड़े रहोगे। फिर आगे क्या होता है देखते हैं। नो नो नो, इफ़ यू फॉल डाउन मा विल मेक चटनी आउट ऑफ मी। नहीं,
एक बार अगर तुम गिर गई तो माँ मुझे चटनी बना देगी, पीट पीट के चटनी बना देगी। शी विल एक्यूज मी ऑफ हेल्पिंग यू अप, वह मुझे दोषी मानेगी कि तुमने उसकी क्यों हेल्प की। वाट विल कम आउट ऑफ योर सीइंग देम एनी वे, यहाँ पे बोला कि तुम्हारे देखने से वैसे भी क्या ही हो जाएगा। नाउ द एग्स आर कंफर्टेबल, अभी अंडे सुरक्षित हैं। वेन दे हैच वी विल बोथ लुक आफ्टर द चिक्स, जब एक बार उससे अंडे से चूजा बाहर निकल जाएगा हम लोग दोनों उसे देखेंगे। द टू बर्ड्स वुड अप्रोच द कॉर्निस ओनली टू क्विकली एंड क्विकली फ्लाई अवे अगेन, जो दो बर्ड्स थे वो कॉर्निस तक पहुँचे, सिर पहुँचे और तुरंत क्विकली फ्लाई अवे अगेन, और तुरंत इसे उड़ गए। केशव वंडर्ड इफ दे वर स्केयर्ड एंड ही टुक अवे द स्टूल्स, केशव को आश्चर्यचकित हुआ कि अगर वो डर गए तो, और वह जो है वह स्टूल को वहाँ से ले गया, हटा दिया। फिर क्या होता है, श्यामा श्यामा विल, एक मिनट, श्यामा विल विथ टेरी आईज कंप्लेन, श्यामा ने आंसू भरे आंखों से कंप्लेन किया। यू डिडंट शो मी द एग्स, आई विल टेल माँ, तुमने मुझे अंडे नहीं दिखाए, मैं माँ को बताऊंगी। आई विल बैस यू इफ यू टेल माँ, मैं तुम्हें पिटाई करूंगा अगर तुम माँ को बताइए तो। बैस मतलब होता है पिटाई करना। आगे देखते हैं, देन वाई डिडंट यू शो मी, तो क्यों तुम मुझे नहीं दिखाए। एंड वॉट इफ यू हैड फॉलन डाउन एंड ब्रोकन योर हेड, और क्या होता अगर तुम गिर जाती और तुम्हारा माथा फट जाता तो। ये कौन बोल रहा है, केशव बोल रहा है। अब आगे देखते हैं, सो वॉट बिग डील यू जस्ट वेट आई विल टेल माँ, तो क्या ये बड़ी बात है, तुम बस इंतजार करो मैं माँ को बताऊंगी। जस्ट देन द डोर ओपेंड एंड माँ केम आउट शेल्डिंग हर आइज फ्रॉम द ब्लेजिंग सन, और उसके तुरंत बाद माँ है सो आती है अपने आँखों को प्रोटेक्ट करते हुए। शेल्डिंग का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना अपनी आँखों को, वो अपनी आँखों को प्रोटेक्ट कर रही थी क्या चीज़ से, ब्लेजिंग सन, जो सूरज की जो गर्मी थी उससे। वाट आर यू टू डूइंग आउट देयर इन द सन, तुम दोनों यहाँ बाहर क्या कर रहे हो। सी आस्क्ड, वह पूछी, कौन, उसकी माँ। हु ओपन द लैच, किसने कुंडी खोली, लैच का मतलब होता है कुंडी, गेट में जो कुंडी लगा हुआ रहता है ना उसको, किसने कुंडी खोली। हाउ मैनी टाइम्स डू आई हैव, एक मिनट, हाउ मैनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू नॉट टू कम आउट इन द आफ्टरनून, मुझे और कितनी बार बताना पड़ेगा, कहना पड़ेगा तुम लोगों को कि नॉट टू कम आउट इन द आफ्टरनून, तुम लोग दोपहर में बाहर नहीं आया करो। केशव हैड ओपन द लैच बट श्यामा डिडंट से दैट टू माँ, केशव ने कुंडी खोली थी लेकिन श्यामा ने माँ को नहीं बताया। सी वाज स्केयर्ड दैट ही माइट गेट बीटिंग, वह डर गई थी कि हो सकता है वो उसकी पिटाई हो। केशव वाज अफ्रेड दैट श्यामा माइट स्क्वेल, केशव भी डर रहा था कि श्यामा हो सकता है सारी बात माँ को बता दे। स्क्वेल का मतलब होता है भेद खोलना या बातें बताना। ही हैडन्ट शोन हर द एग्स, क्योंकि वह जो है उसे अंडे नहीं दिखाए थे ना। एंड सो डिडन्ट ट्रस्ट हर, इसलिए वो उस पर विश्वास नहीं कर सकता, किस पे, श्यामा पे। वेदर श्यामा वॉज साइलेंट आउट ऑफ लव और बिकॉज सी वॉज पार्टी टू द क्राइम इज अ मैटर ऑफ सम कंजेक्चर, यहाँ पे श्यामा जो है वो शांत थी, वो क्यों शांत है, वो प्यार के कारण या फिर वो भी उसका सपोर्ट की थी उस काम को करने के लिए, वहाँ पे टूल वगैरह लगाने के लिए और फिर राइस और फिर बॉल ऑफ वाटर और कपड़ा का टुकड़ा ये सब लाने के लिए, तो वो इसलिए शांत है क्या। परहेप्स इट वॉज बोथ, हो सकता है या दोनों बात हो। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए इसकी माँ आई है। माँ स्कोल्डेड देम एंड टुक देम इनसाइड द रूम, माँ ने उनकी डांट लगाई और उन्हें रूम के अंदर ले गई। स्कोल्डेड का मतलब होता है डांट लगाई। सी लैच्ड द डोर एंड स्टार्टेड फैनिंग देम सॉफ्टली, वह कुंडी लगाई
गेट की कुंडी लगाई और स्टार्टेड फैनिंग देम सॉफ्टली, और फैन को स्टार्ट की आराम तरीके से, डांटते हुए नहीं. इट वॉज ओनली 2 o'clock इन द आफ्टरनून एंड द हॉट समर विंड वॉज ब्लोइंग आउटसाइड. यह दोपहर के 2 बज रहे थे और सूरज और गर्मी की जो गर्म हवाएं थी वो बाहर बह रही थी, चल रही थी. सून द टू चिल्ड्रेन वर स्लीपिंग साउंडली, और शीघ्र ही जल्द ही दोनों बच्चे आरामदायक तरीके से सो गए. अब आगे देखते हैं. श्यामा वॉक अप विथ अ स्टार्ट एट 4 o'clock. श्यामा है सो 4 बजे उठी. द डोर वॉज अनलैच्ड, और जो डोर था, जो गेट था वो खुली हुई थी, उसकी कुंडी खुली हुई थी. सी रैन टू द कॉर्निस एंड लुक्ड अप. वह कॉर्निस की तरफ भागी और देखी. देर वॉज नो साइन ऑफ द बास्केट. वहाँ पे बास्केट का कोई भी साइन नहीं था, मतलब बास्केट उसको नहीं दिख रहा था. सी चांस्ड टू लुक डाउन, और वह संयोग से नीचे देखी. रैन बैक टू द रूम एंड शॉटेड. भैया द एग्स हैव फॉलन डाउन, द चिक्स हैव फ्लोन अवे. और वो संयोग से नीचे देखी और रूम की तरफ भागी और चिल्लाई. भैया द एग्स हैव फॉलन डाउन, द चिक्स हैव फ्लोन अवे. जो अंडे हैं वो नीचे गिर गए हैं और जो चूजे हैं वो उड़ गए. आगे क्या होता है. केशव रैन टू द कॉर्निस एंड सो दैट द 3 एग्स ले ब्रोकन ऑन द फ्लोर. केशव कॉर्निस की तरफ भागा और देखा कि जो 3 अंडे थे वो पड़े हुए हैं, गिर कर टूट गए हैं. कहाँ पे? फ्लोर पे, जमीन पे. अस्लीमी वाइट एंड येलो लिक्विड वाज ऊजिंग आउट ऑफ देम. जो अंडा का जो वाइट पोर्शन और येलो पोर्शन होता है वो है सो नीचे बह रहा है. ऊजिंग का मतलब बहना. द बाउल ऑफ वाटर वाज ऑल्सो लाइंग अनटर्न्ड अपटर्न्ड. और जो बाउल ऑफ वाटर था, पानी का जो बाउल था, वो भी पड़ा हुआ है नीचे उल्टा. केशव वेंट पेल एंड स्टार्ट एट द ग्राउंड विथ ग्लोमी आईज. केशव है वो उदास हो गया. पेल मतलब होता फीका पड़ना, उदास हो गया. और वह ग्राउंड की तरफ घूरते हुए, स्टार्ट का मतलब होता घूरना या देखना, नीचे जमीन की तरफ देख रहा था अपने ग्लूमी आईज से. मतलब कि वो अपनी उदास आंखों से देख रहा था. वेयर हैव द चिक्स फ्लोन टू. श्यामा पूछी कि चिक्स जो है वो किधर उड़ गए. द एग्स आर ब्रोकन, केशव सेड सैडली. अंडे टूट गए हैं, केशव ने उदासी मूड में कहा. एंड वेयर हैव द चिक्स गोन, और चिक्स कहाँ गए. श्यामा बहुत छोटी थी इसलिए उसको पता नहीं था, हो सकता इसलिए ऐसा क्वेश्चन कर रही है. वेयर डू यू थिंक, ही रिप्लाइड विथ सम इरिटेशन. तुम क्या सोच रही हो. वह जो केशव है वो काफ़ी गुस्से से, इरिटेशन से उसको आंसर किया. कांट यू सी द वाइट लिक्विड कमिंग आउट. तुम यहाँ नहीं देख रही हो, जो सफ़ेद लिक्विड है वो बाहर आ गए हैं. इट वुड हैव टर्न्ड इंटू चिक्स इन अ फ्यू डेज. यह कुछ दिनों में चिक्स में बदलने वाले थे. माँ शाउटेड फ्रॉम बिहाइंड, वाट आर यू टू डूइंग आउट देयर इन द सन. माँ पीछे से चिल्ला रही थी कि वाट आर यू टू, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो बाहर धूप में. माँ माँ द एग्स आर ब्रोकन, सेड श्यामा. श्यामा कही बोली कि माँ माँ द एग्स आर ब्रोकन, जो अंडे हैं वो टूट गए हैं. यू मस्ट हैव फिडल्ड विथ देम, तुमने जरूर उसके साथ कुछ गलत किया होगा. सेड माँ एंगरली, माँ गुस्से से बोली. लुकिंग एट द ब्रोकन सेल्स, वो जो टूटे हुए अंडे थे उसके तरफ देखते हुए. नाउ श्यामा डिडंट पिटी हर ब्रदर. अब श्यामा जो है वो अपने भाई पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखा रही थी. पिटी का मतलब दया दिखाना. ही मस्ट नॉट हैव पुट द एग्स बैक केयरफुली इनफ सो दे हैड रोल्ड ऑफ. वह जरूर ही अंडे को अच्छे से नहीं रखा होगा, जिसके वजह से जो अंडे हैं वो लुढ़क गए, नीचे गिर गए. फिर आगे क्या होता है. ही आउट
टू बी पनिश्ड, वो उसको है सो पनिश करना चाहिए, किसको, केशव को। ही टच्ड द एग्स, माँ सेड श्यामा, उसने अंडे को टच किया था माँ, श्यामा बोली। वाई, माँ आस्क्ड, क्यों, माँ ने पूछा। केशव स्टूड टंग टाइट, केशव ने शांत रहकर खड़ा हुआ, टंग टाइट का मतलब होता है मौन रहना, शांत रहना, जब कोई गलत काम हो जाता है या फिर माँ डांटती है, तो जब बच्चा एक्चुअल में गलती किया हुआ रहता है और माँ डांटती है, एक मिनट का थोड़ा आवाज़, तो बच्चे एकदम बिल्कुल शांत हो जाते हैं, तो टंग टाइट का मतलब होता है मौन रहना, शांत रहना। तो केशव ऐसो चुपचाप खड़ा हुआ। हाउ डिड यू रीच देयर, तुम वहाँ पहुँचे कैसे, माँ आस्क्ड अगेन, माँ दोबारा पूछी। फिर क्या होता है, ही केप्ट अ स्टूल ऑन द बाथिंग स्टूल एंड क्लाइम्ड अप, उसने बाथिंग स्टूल पर एक और स्टूल लगाया और ऊपर चढ़ गया। श्यामा सेठ, श्यामा ने बोली। वरंट यू होल्डिंग द स्टूल, केशव चार्ज, क्या तुमने स्टूल को नहीं पकड़ा था, केशव ने यह आरोप लगाया, केशव ने यह श्यामा को कहा कि क्या तुमने स्टूल नहीं पकड़ा था। यू टोल्ड मी टू, रिप्लाइड श्यामा, तुमने ही तो कहा था, यह श्यामा ने आंसर किया। यू आर अ ग्रोन अप बॉय, केशव सेड, केशव, यू आर अ ग्रोन अप बॉय, केशव सेड माँ। ग्रोन अप का मतलब होता है कि काफ़ी बड़ा हो गया है, सयाना हो गया है, तुम काफ़ी बड़े हो गए हो केशव, माँ ने कहा। डोंट यू नो दैट वेन यू, डोंट यू नो दैट वेन यू टच बर्ड्स एग्स दे बिकम टेंटेड, तुम नहीं जानते, जब तुम पक्षी के अंडे को टच किया, दे बिकम टेंटेड, टेंटेड का मतलब वो है सो खराब हो गए, भ्रष्ट हो गए। एंड देन द बर्ड्स डोंट हैच देम एनी मोर, और जिसके वजह से जो पक्षी हैं उन्हें, उनसे जो अंडे थे उससे बच्चे नहीं निकले। आगे क्या होता है, सो द बर्ड्स ड्रॉप द एग्स देमसेल्फ, श्यामा आस्क्ड हर मदर फेयरफुली, सो इसलिए जो पक्षी हैं वो अंडे को खुद ही गिरा दिए। श्यामा आस्क्ड हर मदर फेयरफुली, श्यामा डरते हुए अपनी माँ से पूछी। What else would the birds do? और क्या पक्षी ने किया, माँ सेड, माँ ने कहा, केशव यू हैव डन अ ट्रेबल थिंग, ओ माई गॉड यू हैव टेकन थ्री लिप्स, तुमने एक गलत काम किया है, ओ माई गॉड तुमने तीन जीवों का जान ले लिया। केशव लुक्ड पेंड, आई ओनली कुशन द एग्स, ही सेड क्वाइटली, केशव काफ़ी दुखद दिख रहा था और वह बोला कि मैंने तो सिर्फ वहाँ पे तकिया दिया था अंडों के पास। वह हैसो शांति से थोड़ा आरामदायक तरीके से कम साउंड में बोला। माँ स्माइल बैक एंड रिप्लाइड, बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, माँ ने हैसो पीछे से स्माइल किया और रिप्लाई किया कि नेक्स्ट टाइम से सावधान रहना। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी था, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन एंड आंसर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ कुछ वर्ड्स भी दिए हुए हैं, तो हम लोग भी इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।